आप सभी का कैप्स के इस पार्लर पे हार्दिक अभिनंदन है। एक हमारी कोशिश है कि समाज के बीच के कुछ ऐसे शख्सियत जो समाज के बीच में कुछ बेहतर काम कर रहे हैं और उनके काम शायद समाज के आदर्श हो, ऐसे शख्सियतों को लाने की कोशिश हमारी आज शुरू हुई है। ये पहला पड़ाव है। आज हमारे साथ है विवेक अग्रवाल जी, देश के जाने माने अपराध मामलों के इतिहासकार, पिछले 35 वर्षों से अंडरवर्ल्ड को कवर कर रहे हैं, लेकिन छोटा सके ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं जिनसे देश परेशान है, दुनिया परेशान है, उनके बीच रहकर उनकी कहानियों को समाज के बीच मिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे विवेक अग्रवाल जी का स्वागत के लिए मैं कौस्तुभ धर्म अधिकारी जी से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। पुष्प कुछ देकर आज किस कार्यक्रम के जो एंकरिंग या संचालन करेंगे, ये हमारे क्षेत्र के जाने माने एंकर हैं और उनके मैं स्वागत के लिए एकानंद देवांगन जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें। और अब पूरे कार्यक्रम संचालन के लिए मैं माइक है हितेश गाजी को सौंपता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत। सबसे पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठ के जब हम सवाल करते हैं या माइक में जब हाथ में जब माइक घूम रहता है तो मन में ये सवाल ये रहता है कहने कहीं कि कोई ऐसा भी सवाल निकल जाए जिससे कि चैनल के मालिकों को पसीने उड़ जाए, उनकी तबीयत बिगड़ जाए। तो आज अच्छा लग रहा है कि ऐसे माहौल में कम से कम मैं फ्री होकर सवाल कर पाऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विवेक जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है, मैं आपका नाम सुनने के बाद ऐसे काफी पहले से परिचय कर चुकी है खबरों के माध्यम से, तो पहला सवाल यही मन में आता है कि आप चूंकि विवेक अग्रवाल और हमने जब भी अग्रवाल कम्युनिटी के बारे में सुना है तो या तो अग्रवाल स्वीट्स के बारे में सुना है या अग्रवाल ज्वेलर्स के बारे में सुना है, तो ये कैसे विवेक अग्रवाल इन सबको छोड़ के पत्रकारिता में आ गए और पत्रकारिता में भी ऐसे विधा को चुना कि जो हर किसी की बस की बात नहीं है, खोजी पत्रकारिता किसी की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है और हम चूंकि स्वीट से समझ है तो मैं समझता हूँ कि कितना मुश्किल खोजी पत्रकारिता है और धीरे धीरे तो ये खोती भी जा रही है, तो कैसे इस फील्ड में आ। देखिए ये सवाल ऐसा है जो कि जिंदगी की एक बहुत ही पिछले पन्ने आपने खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि एक जज पिता की संतान हूं तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसी चीज हुई है कि पुरखों से असल में तो जो है तराजू और गज मिलता है, या तो हम कुछ तौलेंगे या कुछ नापेंगे, कपड़ा गज से चुना पाया है। लेकिन हमारे पिताजी जो है उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी में एमए करने के बाद में एलएलबी किया, उसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और मध्य प्रदेश में ही एकीकृत मध्य प्रदेश में ही वो बतौर जज उनकी पहली पोस्टिंग इंदौर हुई, उसके बाद तमाम जगहों पर घूमे। उनके साथ रहते रहते कानून की समझ आई, उनके साथ रहते रहते जिंदगी की समझ आई, उनके साथ रहते रहते साहित्य और उर्दू और हिंदी दोनों पर अधिकार बना। उनसे बहुत पिटाई खाता रहा कि अंग्रेजी अच्छी करो तो दुनिया में जीवन में और कुछ कर पाओगे, लेकिन नहीं कर पाया अंग्रेजी अच्छी, परंतु इन दो भाषाओं में उनकी वजह से हाथ मजबूत हुआ, कानून पर बहुत अच्छी तरह से हाथ मजबूत हो पाया। और चूंकि ये था कि ख्वाब था कि डिफेंस में जाऊंगा, जब चश्मा लग गया तो ये हो गया कि कॉम्बैट साइड नहीं जा सकते, तो ये तय कर लिया कि चलो अब आर्मी ऑफ गन्स के बदले आर्मी ऑफ पेंस ज्वाइन की जाए। शिक्षा का जो मेरा काल था उसी समय से मैंने पत्रकारिता आरंभ कर दी थी और तभी से कुटाई पिटाई भिड़ाई लड़ाई वाले कार्यक्रम किया जाते थे, तो वो धीरे 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 उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। और जब मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहा था तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत कुछ नया कर रहा था या खोजबीन कर रहा था, लेकिन अचानक वहां से एक नया अखबार जो है वो हमारा महानगर शुरू हो रहा था और उसके जो रेसिडेंट एडिटर साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको मुंबई आइए। मुंबई में जाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब शहर है वो, वहां पर बड़ी कठिन जिंदगी है, बहुत तोड़ बात बड़ी। लेकिन जब वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि यार हम तो कूप मंडूक भी नहीं, हम तो कटोरी मंडूक है, छोटे से मतलब कटोरी जितने बड़े शहर में रहते हैं उज्जैन इंदौर भोपाल रायपुर, यार यहाँ क्या खबरें होंगी जी, यह तो समंदर है खबरों का अथाह भंडार, एक बार डुबकी लगाइए काला मोती मिलता है और आप दुर्लभ रत्न लेकर बाहर आ रहे हैं, तो मैं फिर वहीं रह गया। तो 1992 से मैं मुंबई का हो गया और वहां से फिर मेरी जो है अपराध जगत में पत्रकारिता का आरंभ हुआ और उसके बाद में कहना चाहिए कि
अलग अलग विधाएं जो हैं अपराध जगत की पत्रकारिता की, उसमें फिर हाथ आजमाते हुए और बढ़ते चले गए। और एक बार जो आदमी मुंबई चले गया, उसके बाद मुंबई उसे नहीं छोड़ती। और जैसे कहा जाता है कि लाल परी की सोहबत जब हो जाती है तो वो उसे नहीं छोड़ती है और आप नहीं छोड़ते, यानी शराब की लत। वैसे ही मुंबई भी एक लत है और वो आप न तो उसे छोड़ पाते हैं न वो आपको छोड़ती है। और उस शहर का एक मिजाज है, उस शहर की एक चीज है कि वहां पे काम करने वाला अगर व्यक्ति है तो वो कभी उस इंसान को भूखे नहीं पाते और वो भरपूर उसे प्रदान करती है। और 80 के दशक और 70 के दशक के जो लोग हैं उन लोग के मन में जब भी अंडरवर्ल्ड के बारे में जो सुनते थे तो मन में कहीं दहशत पैदा होती थी। हालांकि धीरे 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 आज की जो युवा अब जो पीढ़ी है वो शायद अंडरवर्ल्ड को सिर्फ फिल्मों में देखती है क्योंकि इतना नाम बचा है। मैं उस पर जरूर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन चूंकि खोजी पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो आज के दौर की पत्रकारिता में कहीं खोता जा रहा है, चूंकि जिस तरह की पत्रकारिता चल रही है, जिस तरह के चैनल्स में हम खबरें देखते हैं और एक तरफा खबरें चलने लगी हैं और नतमस्तक चैनल नजर आते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसी स्थिति में खोजी पत्रकारिता को करना कितना मुश्किल काम था। और आज जो परिदृश्य है पत्रकारिता का उसमें आप इस विधा को कहां देखते हैं? देखिए, बहुत ही ऐसी हालात बन चुके हैं जहां पर मेरे जैसे लोगों की अब जरूरत नहीं बची, बहुत ही साफ तरीके से अगर कहूं तो। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पत्रकारिता की जो विधा है उसे जब तक वो प्रिंट में थी तब तक तो वो बहुत ही साफ सुथरी अच्छी और बहुत ही समझदार तरीके से चलती रही क्योंकि संपादकों का उसके ऊपर नियंत्रण होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 के दशक में अगर हमने कोई बलात्कार संबंधी खबर संपादक के सामने रख दी तो हमारे खाल खींचा जाना तय। आज वक्त यह आ चुका है कि अगर आपने ये बताया कि 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो आपका संपादक आपके मुंह पे आपकी एक पन्ने की कॉपी मार करके बोलता है कि बेवकूफ हो, कितनी छोटी सी खबर लाए, इसको कम से कम 1000 शब्दों की बनाओ ताकि ये सेकंड लीड या बॉटम एंकर बन सके और जितना मसाला डाल सकते हो डालो। ये फर्क आ चुका है पत्रकारिता में, क्योंकि तब पत्रकारिता सिद्धांतों की होती थी, तब पत्रकारिता मिशन थी, आज पत्रकारिता कमीशन है। ये बड़ा फर्क आ गया है। हम लोग जब वो पत्रकारिता कर रहे थे तब ये था कि हमें हमारे संपादक छूट देते थे, मालिकान हमें कहते थे कि आप अच्छी खबरें लाइए। अच्छी खबरें आती थी तो हमेशा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर या क्राइम रिपोर्टर का जो मूल्यांकन होता था वो इस बात से होता था कि इसके खिलाफ कितने अवमानना के मुकदमे अदालत पहुंचे हैं और कितने बड़े पहुंचे हैं। जैसे मेरे खिलाफ एक बंदे ने वहां के जो कि तेल की तस्करी का सम्राट माना जाता है मोहम्मद अली उस्मंदिया, उसने 10 करोड़ का मुकदमा किया था हाईकोर्ट में जो कि चंद दिन ही चल पाया। और एक दूसरा बहुत बड़ा ड्रग्स तस्कर था, उसने 36.5 करोड़ का मुकदमा किया, वो एक ही उसमें उड़ गया क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत थे। लेकिन आज अगर वही चीज हम करने चाहते हैं तो वो करने नहीं दिया। अब जैसे मैं एक चैनल में था जहां पर संतोष शेट्टी से के बारे का इंटरव्यू करने की बैंकॉक में जब बात आई और मैंने उनसे कहा कि इतना बड़ा मौका मिल रहा है कितने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से बात करने का जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्यों है, मैं उस तक पहुंचने की स्थिति बना चुका हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे आपको, कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैंने वो रिस्क ली, मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने खर्चा करके जाऊंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने इस शर्त पे छुट्टी ग्रांट की कि ठीक है आप चाहिए कीजिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप मैंने कहा कि अगर वो स्टोरी अच्छी लगती है क्या आप दिखाएंगे उसे, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर वो अच्छी बनती है कुछ होता है तो हम उसे दिखाएंगे और फिर हम आपका एक्सपेंडिचर पे कर देंगे। तो मैं बिना कैमरामैन के गया, मैंने वहां पर जाकर के 5-6 दिन बिताए और उस बंदे से मिला, उसके लोगों से मिला, उसकी पूरी चीजें शूट की। और उस बीच में फिर जिस जिस जगहों पे छोटा राजन पे हमला हुआ था वो सब तमाम जगह वो सब भी शूट करके लाया, करीब 4-4.5 घंटे का शूट बना करके लाया, 1 घंटे की वो स्टोरी उन लोगों ने दिखाई भी, लेकिन फिर बाद में एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया और उसी चीज पर नाराज होकर के मैंने वो चैनल छोड़ दिया। तो पत्रकारिता में ये जो अवमूल्यन हुआ है
ये बहुत ही आंतरिक राजनीति और घटिया दर्जे की जो हद दर्जे की एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति शुरू हुई है वो बहुत कचोटती है मन में, वो बहुत कष्ट देती है। और ये जो है धीरे धीरे और खास तौर से ये तब आई है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने टेक ओवर कर लिया है। हालांकि प्रिंट में वो काम अभी भी बहुत तक चलता रहा है लेकिन पिछले 2-3 साल में वहां भी बहुत खत्म हुआ है। 2-4 गिने चुने अंग्रेजी के अखबार हैं जो कि उस लौ को उस मशाल को जला करके आगे बढ़ना है, वरना तो ये विधा लगभग न के बराबर बची हुई है कि जहां खोजी पत्रकारिता का नाम ले सके। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम सिर्फ 1-to-1 न रहे, 1-to-1 रहे। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझसे माइक मांगिए और सवाल जरूर पूछिए। मैं अब आपकी किताबों पर आता हूँ। हालांकि मैं अंडरवर्ल्ड के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा क्योंकि वो एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हमने सिर्फ सुना है या फिल्मों में देखा है उसको, और फिल्मों में भी जिस तरह से उसको मेसमराइज करके दिखाया गया है, क्या वाकई में उस तरह की स्थितियां थी, मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन पहले मैं किताबों के ऊपर आता हूँ। आपने अभी हाल ही में आपकी किताब आने वाली है बॉम्बे बार के नाम से। ये बॉम्बे बार दरअसल बार वालों के ऊपर, पूरी जिंदगी के ऊपर आपने बहुत रिसर्च की है और बहुत कम किताबें ऐसी आती हैं जो इतनी रिसर्च के बाद होती हैं। और ये ऐसा विषय भी है जिसमें लोग बोलने से कतराते हैं लेकिन आपने उसे पन्नों पर उतारा है, किताब के जरिए उतारा है, किस तरह का अनुभव रहा, जरूर जाना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा है, बॉम्बे बार जो है वो राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित कर दी है और पिछले दिनों विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में चल रहा था प्रगति मैदान में, उसमें वो विमोचन भी उसका हुआ। सत्यनारायण जटिया जो कि संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने किया था उसे। और ये बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है, बड़ी ही बोल्ड तरीके से लिखा है उसे, बहुत ही खुल करके उसमें चीजें सामने आई हैं। बार वालों को मैं आज से नहीं जानता, मैं 92 से जब से मुंबई में हूँ तब से जानता हूँ। उन लोगों की पोशीदा जिंदगी, उन लोगों के आंतरिक हालात, उन लोगों के कष्ट, उनके दुख दर्द, उनके आंसुओं से लेकर के उनकी खुशियों तक हर चीज बहुत करीब से मैंने देखी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो सबसे अच्छी अंडरवर्ल्ड की और इन्वेस्टिगेटिव खबरें देने वाली अगर कोई होती हैं तो ये बार गर्ल्स, कॉल गर्ल्स और रचनाएं होती हैं, प्रोसिक्यूट्स होती हैं। और उनके बीच में मेरा बहुत ही अच्छा मैंने एक नेटवर्क खड़ा किया था। तो जो ये 12 कहानियां हैं उनमें से 11 लड़कियां हैं और एक उसमें किन्नर है या हिंजड़ा है, वो भी आज भी रायगढ़ के एक बार में नाचने जाता है। उन 11 लड़कियों में से 5 जो है वक्त वक्त पे मेरी मुख्य रही, तो उनकी कहानियां, उनकी जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, जीने और मौत से संबंधित खबरें, उसमें सब कुछ है। हर फील्ड की लड़की और हर तरह की जिंदगी की लड़की की दास्तान उसमें है। उसमें एक लड़की है काजल मेघानी, ये उसका परिवर्तित नाम है लेकिन मेघानी उसका सरनेम हमने रखा है क्योंकि वो सुरेश मंचेकर गिरोह का एक ये था दीपक नाम का बंदा, उसके जो कि शूटर था उसकी बीवी थी, लेकिन ये पहले डांस बार में नाचती थी। वो कैसे दीपक तक पहुंची और उसका हर्ष क्या हुआ, उसकी पूरी दास्तान उसमें है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लड़कियां आती कहां से हैं और पहुंचती कहां हैं। ये सारी किस्से कहानियां ही उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि एक लड़की प्यार में फंसा कर लाई जाती है, वहां के रेडलाइट एरिया में बेची जाती है, किसी तरीके से वो गलती से या किसी कोशिश से या अपनी जद्दोजहद से छूट के बाहर आ जाती है और लेकिन अंततः पहुंचती है काली दुनिया से एक अंधेरी दूसरी दुनिया में, जहां की थोड़ी देर के लिए उसे रोशनी नसीब होती है और पहुंचती है। कुछ लड़कियां जैसे तरन्नुम की कहानी है जिस पर एक रात में 1 करोड़ रुपए लुटाए थे अब्दुल करीम तेलगी ने, जो कि के स्टैम्प स्कैन का घोटाले का मास्टरमाइंड था। तो जब लाला ने उसके ऊपर वो पैसा लुटाया था तो उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। फिर वो दीपा बार में चली गई, दीपा बार में उसका नाम बहुत बड़ा हुआ क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की रखेल भी है। तो उसकी पूरी दास्तान है कि कैसे मुंबई की छोटे से फुटपाथ जैसी जगहों से उठ करके वो करोड़पति वाला बनी है और आज वो जो है एक बहुत ही पोशीदा, बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर एक बंगले की मालकिन बन करके रह रही है आराम से। उसके खिलाफ मुकदमे आज भी चल रहे हैं, वो मैच फिक्सिंग कांड में भी फंसी क्रिकेट के, सट्टेबाजी भी वो करती थी, उसने अपनी जिंदगी पे फिल्म भी बनवाई, खुद पैसे लगाए उसमें। तो इस तरह की लड़कियों की दास्तानें हैं
जो आपको हर तरह का फ्लेवर देंगे, हर तरह की उसमें टेस्ट आपको नया नया मिलेगा। जो कहानी आप पढ़ेंगे वो दूसरी से अलग है। ऐसा नहीं है कि हर कहानी में आपको दर्द का दरिया बहता मिलेगा, हर हर कहानी में एक नई चीज हमने डाली है ताकि आपको ये महसूस हो कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, और वहां तक उन तक पहुंचना और उनके बीच में विश्वास का रिश्ता कायम करना ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। क्योंकि जैसे ही उन्हें ये चीज महसूस होती है कि आप उनके जिस्म के लिए पहुंच रहे हैं या आप उनसे कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि वो दुनिया को परोसती है, तो वो आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, वो आपको उन्हीं भीड़ का हिस्सा समझेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें यह महसूस करवाया कि आप उनसे वो रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप सिर्फ उनसे खबरें हासिल कर रहे हैं या कहे बगाहे आप उनके हमदम, उनके दोस्त, उनके साथ इंसानियत का रिश्ता बनाते हैं, तो वो फिर आपके साथ जुड़ती हैं और बड़े लंबे समय तक आगे चलती हैं। और ये धारा आज भी चली आ रही है मेरे साथ। कितनी ही लड़कियां हैं जो कि 92, 93, 94, 95 से आज भी मतलब मेरे साथ मित्रवत व्यवहार रखती हैं, और आज उन्होंने काम छोड़ दिया है या आज दूसरे कामों में चली गई हैं। अब एक लड़की है जैसे उसमें कहानी है रेशमा की, उसने खुद तो काम छोड़ दिया लेकिन अब वो जो लड़कियां ये प्रोफेशन में आना चाहती हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशन में लाती है, रखती है, उनका ध्यान रखती है कि जो मुझे कष्ट झेलने पड़े वो इन लड़कियों को ना झेलने पड़े। तो वो अब एक एजेंट के रूप में काम कर रही है लेकिन उनकी हमदर्द एजेंट के रूप में काम करती है। अब मैंने जानबूझ करके उनके नाम छुपाए हैं ताकि उन लोगों को अब पुलिस वालों से या और किसी से परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजें उसमें हैं। कुल मिलाकर जो मुंबई में डांस बार के पूरे इर्द गिर्द वो कहानियां हैं और इन सभी बीच कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था और इसे ऐतिहासिक भी कहा गया, इसे विवादित भी कहा गया कि डांस बार थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आपने कहा कि आपने कई तरह के संबंध आपके रहे खासतौर पर अपनी खबरों के सिलसिले में, एक पत्रकार होने के नाते इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं और बार वालों की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ा इस फैसले के बाद, ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे। देखिए वो फैसला जो है वो बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो बिल्कुल भी किसी भी तौर पर वो फैसला सही नहीं था। मुंबई शहर जो है वो पोर्ट सिटी है, गोदी का शहर है, गोदियों में रोजाना हजारों लाखों लोग जो हैं वो जहाजों से आते हैं, उसमें नाविक होते हैं, उसमें उनके अदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बाकी सब होते हैं, उनकी जिस्मानी भूख होती है वो शांत करने के लिए जाते हैं वैश्यालय में, और उन्हें शराब की जरूरत होती है तो वो जाते हैं शराब खानों में, शराब खानों में उन्हें शराब भी मिलती है, लड़कियां भी मिलती हैं। तो ये उनकी आज की जरूरत नहीं है, ये पिछले कई सौ सालों से चीज चली आ रही है। और जिस शहर में रंगीनियां जो हैं वो रात 9-10 बजे के बाद शुरू होती हैं, जिंदगी की धड़कन रात को 9-10 बजे के बाद शुरू होती है, अगर आप उसे ही बंद कर दें तो क्या हाल होगा। मुंबई शहर जो है वो बंदने लगा इस चीज की वजह से। क्या बैन लगाने से वो बंद हो गया? आज भी मुंबई में बार गुलजार है, आज भी मुंबई में छमछम की घूरों की आपको खनक सुनाई देती है, आज भी लड़कियां, लेकिन हाँ ये बहुत हद तक हुआ कि बहुत सारे प्रतिबंध लगे, लड़कियां जो हैं बहुत सारी बेरोजगार हुई, उनमें से जो लड़कियां काम कर रही थी सही तरीके से जीवन यापन कर रही थी, सिर्फ नाच करके पेट भरती थी, उनमें से बहुत सारी लड़कियों को कालांतर में जो है वो वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता, वो पढ़ी लिखी नहीं है। सरकार ने बैन तो लगाया लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की। आप जब किसी कोई जगह बांध बनाते हैं, कोई सड़क बनाते हैं, कोई हवाई अड्डा बनाते हैं, जिनकी जमीनें लेते हैं उन्हें मुआवजा देते हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करते हैं, इन लड़कियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढोल बजाए। उनको लेकर के जिन बार मालिकों के संगठन में हंगामा किया उन्होंने सिर्फ हरियाली आंसू बहाए। इवन जो बार गर्ल्स का संगठन था उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अंततः क्या हुआ, वो अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रहा और अदालतों ने भी उस मामले में बहुत अच्छे आदेश जारी किए, लेकिन हमारी सरकार जब चित पे अड़ गई तो उन्होंने कुछ भी आदेशों का पालन नहीं किया, उल्टे नए नए कानून लगा करके उन्हें और तंग करना शुरू किया। अब जो नया कानून बारों के लिए लेकर के आए हैं
उसके दायरे में तो कोई भी बार चल ही नहीं सकता, तो वो कानून ही ऐसा गया है जिसमें कि आप बार ना चला सकें। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक जिंदा शहर को लाश में तब्दील कर देने की मूर्खतापूर्ण हरकत थी ये डांस बार पर पाबंदी, ये मेरा सीधा मानना है। आप एक आदिकाल का व्यापार है जिसमें बहुत सी, और ये जहां तक आपकी बात से समझ में आ रही है कि कहीं इसको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में 92 के आसपास की बात है, बाबूलाल गली करके एक दाल गली होती थी, उसमें एसपी हुआ करते थे संत कुमार पासवान, उन्होंने उसको प्रेशर से बंद करा दिया। अब के समाचार पत्र पढ़ के ऐसा लगता है कि वो पूरे शहर में फैल गया, तो क्या सचमुच इसे व्यापार का दर्जा देना चाहिए? और ये होने से क्या ये जो बलात्कार जैसे केस है कम होंगे? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। ये आपकी जो बात है, ये आपका जो सवाल है, ये बिल्कुल मौजूद भी है और बिल्कुल सही भी है। इसलिए कहना चाहूंगा कि इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि मैं वो जो बिजनेस है मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। लेकिन दूसरी तरफ मेरी अगर बॉम्बे बार किताब का आप जो समर्पण है उसकी जो 3 पंक्तियां है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विवेक अग्रवाल इस पेशे का सबसे बड़ा पैरोकार भी है। मैंने उसमें लिखा है कि अगर ये देह जीवाएं नहीं होती तो इस दुनिया की किसी भी सती का सतित्व कायम नहीं रहता, किसी भी स्त्री का जीवन जो है वो सामान्य नहीं रह पाता। उसका रीजन है क्योंकि दैहिक भूख जो होती है किसी व्यक्ति में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। कोई व्यक्ति समाज से डरता है और कोई व्यक्ति समाज से नहीं डरता है, कोई व्यक्ति कानून से डरता है, कोई नहीं डरता है। जो कानून से डरने वाले लोग हैं वो तो बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं कि जो उनके साथ में स्वेच्छा से दैहिक भूख मिटाने के लिए जाना चाहती है वो उसे ले जाते हैं। जिनके विवाह हो गए हैं उनके पास में अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिनकी है और जो उनके साथ जाना चाहती है उनके पास अपनी व्यवस्था है। लेकिन जिनके पास नहीं है या जिनके अंदर वासना जो है वो बहुत बड़ी है, वो लोग जो है नोच खसोट लूट पाट में बिलीव करते हैं, उनका क्या होता है? तो उनके लिए ये जो वैश्यालय है, ये जो बार बने हुए हैं, यहां जाकर के वो अपनी भूख मिटाते हैं। कुछ सिर्फ आंखों से मिटा लेते हैं, कुछ जो है उन लड़कियों को हासिल करके मिटा लेते हैं। तो इस तरीके से राह चलती हुई लड़कियों के साथ में ये बदतमीजियां बदकारियां नहीं होती हैं या कम मात्रा में होती हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर में एंटॉप हिल नाम का एक इलाका है। उस एंटॉप हिल इलाके में आज से करीब 7-8 साल पहले हर दिन कम से कम 10-15 बलात्कार के मामले होते थे और छोटी छोटी लड़कियों से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक से बलात्कार होते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उस इलाके में हर 10-15-25-50 दुकान छोड़ करके एक वीडियो पार्लर होता था। उस वीडियो पार्लर में सुबह 6-7 बजे के बाद से लेकर के रात 2-3-4 बजे तक सिर्फ ब्लू फिल्म चलती रहती थी। आप वहां पे 5 रुपए का टिकट लीजिए, अंदर जाइए, वो ब्लू फिल्म देखिए। अब ब्लू फिल्म देख करके निकला हुआ आदमी शहर में आने के बाद क्या करेगा? उसके अंदर जो भावना बनती है उसे वो मिटाने के लिए कोई ना कोई स्रोत खोजेगा ही। वो स्रोत खोजने के चक्कर में जिनके पास धन नहीं होता था, जो इन बार गर्ल्स या इन वैश्यालयों तक नहीं पहुंच पाते थे, तो वो लोग रास्ते चलती हुई लड़कियों को और महिलाओं के ऊपर झपटते थे। तो इसलिए बलात्कारों का वहां पर प्रमाण इतना बढ़ गया था कि मुंबई पुलिस जो है वो हैरान हो गई थी कि करें तो करें क्या, दिन में लड़कियां सुरक्षित नहीं, रात को छोड़ दीजिए। तो ये जो समस्या है इससे निपटने का यही परेशानी होती है। उज्जैन शहर में पिंजारवाड़ी नाम का ब्रॉथल एरिया है, आज का नहीं है, बरसों पुराना। जितने भी धार्मिक शहर हैं, जितने भी गोदियों वाले शहर हैं, सब जगह पर एक ना एक रेड लाइट एरिया आपको हमेशा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे आते हैं, रजवाड़ों के समय से वो आबाद है, उन्होंने क्यों उसे आबाद रहने दिया? जस्टिफाई है ना। अगर आपको अपने घर की औरतों को बचाना है तो इनकी बलि चढ़नी पड़ेगी, तो ये बलि चढ़ रही है।
मैं उस चीज का विरोध करता हूं कि आप किसी 5-7 साल 10 साल की कमसिन बच्ची को लेकर आते हैं, उसे जबरन धंधे में उतारते हैं और उसके बाद में वो जो बच्ची है वो हर रोज हर मिनट एक नई मौत मरती है। उस चीज का मैं सख्त विरोध हूं। हमारे एक मित्र रहे हैं, उनके साथ में हम लोगों ने काफी समय तक एक एनजीओ में काम किया है और उस एनजीओ में हम लोगों ने 10 साल के अंदर 1200 तो सिर्फ नाबालिग लड़कियों को बाहर निकाला है और हमारा जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के करीब 7 राज्य थे। 450 मुखबिरों की बड़ी लंबी चौड़ी जो सेना है वो इस क्षेत्र में हमें सहयोग करती थी और उन लोगों ने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। उनमें जो भी लोग साथ काम करते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये काम करते थे कि चंद जिंदगियां बचाएं, चंद लोगों को, चंद लड़कियों को वो इस गंदगी से बाहर निकाल सकें। और उन लोगों की, उन मुखबिरों की, उन दोस्तों की मेहनत को मैं आज भी सलाम करता हूँ झुककर। यही कारण है कि मेरी जितनी भी किताबें आप देखते हैं उन किताबों में मैं सारा का सारा श्रेय जो है अपने उन्हीं अनाम मित्रों को देता हूँ जिनकी वजह से वो सारी खबरें मेरे पास आती हैं। मेरी किसी भी किताब का समर्पण जो है वो मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, किसी को नहीं आता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की देन है और उन्हीं लोगों की वजह से विवेक अग्रवाल जिंदा और कायम है और आप लोगों के बीच बैठ करके ये सारी गुफ्तगू कर पा रहा है। असल में वो चीज है तो जस्टिफाई करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो तर्क सच्चाई है वो है और उसे आपको, समाज को, सरकार को, हमारे नुमाइंदों को, सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं अंडरवर्ल्ड वाले विषय पे आ रहा हूँ क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विषय है। आपने करीब 35 साल से ज्यादा आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा भी था कि 70-80 के दशक के जो लोग हैं जो उस समय पैदा हुए थे तो उन्होंने इसके बारे में सुना काफी है और सुनते थे तो मन में खौफ पैदा होता था, दहशत पैदा होती थी, अंडरवर्ल्ड डॉन के एक नाम आते थे। हालांकि अब धीरे 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 ग्रेजुअली वो स्थितियां हैं, मैं उस पर जरूर आप जाना हूँ कि आज की किस तरह की स्थिति है, लेकिन आपने इस पर भी किताबें लिखी हैं और बैक टू बैक 2 किताबें लिखी हैं, मुंबई और उसके बाद मुंबई रिटर्न्स। वो किताब पे क्या कुछ खास है? और दूसरा ये कि सबसे बड़ा सवाल है देश के लोगों के सामने अगर अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम पर आता है तो वो है दाऊद इब्राहिम का, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान इनकार करता रहा है कि पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है कि कभी जो सबसे बड़ा गुनहगार है भारत का वो भारत में वापस आ पाएगा? किस तरह के हालात है? देखिए, 2 सवाल आपने किए हैं। पहला तो ये कि मुंबई और मुंबई रिटर्न्स में क्या खासियत है, तो 2-3 खूबियां हैं उनकी। पहली चीज तो ये है कि हिंदी में आज तक कभी भी अंडरवर्ल्ड का प्रामाणिक लेखन नहीं हुआ जिसका मैंने करने का एक दुस्साहस किया कह लीजिए। दूसरी चीज ये है कि दाऊद इब्राहिम का 1984 में जो शारजा में वर्ल्ड कप हुआ था वो जो उस समय फोटोग्राफ हुए थे उसके बाद से कोई भी फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था। हमने उसका कराची में उसके घर के अंदर खड़े हुए का ताजा तरीन फोटोग्राफ जो है वो अपनी किताब पर शाया किया है उसके कवर पेज पर। लोग बड़ा अचरज जाहिर करते हैं, कहते हैं कि जब एक बिना किसी संसाधनों वाला, बिना किसी धन संपत्ति वाला कोई एक अदना सा पत्रकार जब उसका कैमरा उसके घर के अंदर तक जा करके वो फोटो लाकर छाप सकता है तो ये जो बड़े बड़े गाल बजाने वाले हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जासूसी गुप्तचर, वो आखिर वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? सवाल ये नहीं है कि वो क्यों नहीं पहुंच पाते, सवाल ये है कि क्या उनमें विल पावर है, क्या वो करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज ये जो सवाल आपने मुझसे किया था कि क्या दाऊद को कभी वापस लाना संभव होगा, दाऊद को कभी भी वापस लाना संभव 2 कारणों से नहीं होगा। पहला कारण है कि भारतीय राजनेता और भारतीय हमारी कुछ एजेंसियां वो भी नहीं चाहती हैं कि वो वापस आए, क्योंकि अगर वो वापस लौटेगा तो बहुत सारे जो उसके इन लोगों के राज हैं वो फास्ट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो कारण है वो इसलिए नहीं वापस आ सकता क्योंकि ISI और PMI यानी पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस वो दोनों नहीं चाहते हैं कि वो सकुशल जिंदा पाकिस्तान ही छोड़िए, माफ कीजिए, हिंदुस्तान ही छोड़िए, दूसरे भी किसी देश के हाथों में पड़े, वो भी नहीं चाहते।
क्योंकि वो बाहर जाएगा तो जाने के बाद में वो दुनिया को ये बताएगा कि मैं पाकिस्तान में कहाँ रहा, कैसे रहा, कौन मेरे संपर्क सूत्र थे, मैंने वहाँ क्या क्या किया, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती रही, किन आतंकवादियों से मिला, कौन संगठन के कौन से लोग रहे, और मुंबई ब्लास्ट से लेकर के और 26/11 तक उसे बहुत सारी आंतरिक सूचनाएं होंगी, उनके बारे में वो सब चीजें शाया करेगा और वो बताएगा। तो वो चीजें पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि किसी भी स्तर पर बाहर आए, लिहाजा वो बिल्कुल किसी भी स्थिति में दाऊद इब्राहिम को भारत छोड़िए किसी अन्य देश के हत्थे भी नहीं चढ़ने देंगे। तो जीवंत अवस्था में अब दाऊद इब्राहिम या उसके परिवार या उससे जुड़े हुए जो अभी भी वहां पर करीब 30-35 परिवार रह रहे हैं, उनके कोई भी सदस्य या वो जो उसके सहयोगी हैं, वो लोग भी अब हिंदुस्तान के हाथों में नहीं आएंगे, ये तय। छोटा राजन की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके पीछे का कुछ कॉन्स्पिरेसी थी या वाकई वो भारतीय की कामयाबी थी, चूंकि वो छोटा राजन को यहाँ पर लाया गया, उससे काफी पूछताछ कर रहा और भी चल रहा है, हालांकि कुछ ठोस निकल के आ पाया है तो फिर कभी सामने आ नहीं पाता है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो चीज है छोटा राजन की वापसी, इस घटनाक्रम तक मतलब मैंने पूरी अपनी मुंबई में जानकारियां पर पेश की हैं, उनमें से ही एक चीज ये भी है कि एक तो ये भारत सरकार की या भारतीय खुफिया एजेंसियों की कोई भी कामयाबी नहीं है। छोटा शकील को ऑस्ट्रेलिया में उसके होने की जानकारी, छोटा राजन के होने की जानकारी छोटा राजन के ही दो विश्वसनीय सहयोगियों से, विक्की और उसके भाई से मिल गई थी। इस काम के एवज में उसने 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम जो है विक्की और उसके साथियों को पे की थी, दी थी। और जब उसका हत्यारा दस्ता वहां पहुंचता, उसके पहले किसी तरह ये इंफॉर्मेशन छोटा राजन के पास पहुंच गई, सूचना पहुंच गई, और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और उसने इस चीज में मदद हासिल की भारतीय खुफिया एजेंसियों की। उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश के जरिए अगर आने की कोशिश करोगे तो दुनिया भर की झगड़े फसाद होंगे, बहुत कानूनीताओं पेच खेलने पड़ेंगे, लिहाजा उसे उन्होंने बाली बुलाया, बाली से उसे पुलिस थाने में पहुंचा दिया। पुलिस थाने में पहुंचाने के लिए एक ड्रामा रचा गया कि उसका पासपोर्ट मोहन के नाम से था और ये वो सब पूरी चीजें कहानियां किससे हैं। उसे वहां से लेकर आए, जानबूझ करके दिल्ली CBI कोर्ट में केस बनाया, सारे केसेस जो है कंसोलिडेटेड वहां पहुंचाए हैं, और अब जो है वो केसेस धीरे 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 एक एक करके उसके जो है खत्म किए जा रहे हैं, और कालांतर में ये स्थिति आएगी कि जैसे कि मल्होत्रा जो कि छोटा राजन का सेनापति है, उसके सारे केसेस समाप्त करने के बाद में उसे वापस हिंदुस्तान के बाहर स्थापित कर दिया है, और अब विक्की मल्होत्रा जो है भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा है, वैसे ही छोटा राजन का इस्तेमाल जो है भारतीय खुफिया एजेंसियों में बैठे हुए कुछ अफसरान आज भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वो यहां से बाहर चले जाएगा तब भी करेंगे। तकरीबन 1-2 महीने पुरानी बात है, ये सूचना भी आई है कि सिंगापुर में पिछले 12 सालों से छोटा राजन का बहुत ही करीबी सिपहसालार जो है वो निर्वासित जीवन जी रहा था, उसे वापस हिंदुस्तान लाए हैं, उसे एक्टिवेट करवाया है, वो हिंदुस्तान में किस जगह पर रह रहा है और किस तरह की एक्टिविटीज में लगा हुआ है, ये सब चीजें बहुत जल्द ही राज जो है वो फाश होंगे, और मुझे विश्वास है कि शायद वो काम करने का श्रेय भी मैं ही लूट पाऊं, तो मैं भी उस दिशा में लगा हुआ हूँ, हम बहुत जल्दी वो सारे राज भी खोलेंगे। तो ये अभी फिलहाल की जो सिनेरियो है वो ये है। और जहाँ तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जो है हालात खत्म हो चुके हैं ये मानने की बात है, जो आपकी बातों से मुझे एक समझ आ रही थी कि आप ये मान रहे हैं, तो माफ कीजिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है कि कभी भी अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, और जब समाज में बहुत शांति होती है तब अंडरवर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि तब पुलिस की एक्टिविटीज नहीं होती, तब खुफिया एजेंसियां शांत होती हैं, तब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे वक्त में वो चुपचाप धीरे 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 अपना काम करते रहते हैं और लोगों को लगता है कि अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है, लेकिन उनके कामकाज जारी हैं, वो लोग नकली करेंसी में काम कर रहे हैं, वो लोग स्मॉल आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं, वो लोग डायमंड का काम कर रहे हैं, वो लोग
अफीम और ये सब नशा तस्करी कर रहे हैं, तो जितने भी अवैध कार्य हैं वो सारे उनके चल रहे हैं, साथ ही साथ में उन्होंने अपने कानूनी कामकाज भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं, तो उसका भी उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, जो एक चीज में कमी आई है वो है आपसी खुरेंजी, एक दूसरे को मारने काटने की स्थिति, और हफ्ते के लिए लोगों को मारना, वो दो चीजें बंद हुई हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड अब उस दिशा से, उस चीज से बहुत आगे पहुंच चुका है जैसा 80 और 90 के दशक में था। बड़ी कड़ी दूर की सर पूछे। अच्छा, अंडरवर्ल्ड में जब भी बात होती बॉम्बे की बात होती, मैं बीच में रेलवे के ठेकेदारी किया था, उत्तर प्रदेश का एक है गुंडा टैक्स लेता था, मुझे याद नहीं है, जब मैं यहाँ पे माल उठाया तो मुझे खबर आई कि वो जीटी देना पड़ेगा, मैंने ले ली मेरे से, बट ये सच्चाई है कि वो जीटी उत्तर प्रदेश में बैठ के यहाँ से वसूलता था रेलवे का। आपने कुछ काम इसमें किए हैं और अंडरवर्ल्ड की फैलाओ इन छोटे शहरों से, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जाती है, अब लोग अंडरवर्ल्ड को तो सिर्फ बॉम्बे मानते, इस पर मैंने कुछ काम किया है या कुछ किताबें लिखी, क्योंकि मैंने आपकी किताब पढ़ी नहीं। देखिए, अंडरवर्ल्ड में और बाहुबलियों में फर्क है, जो आपको दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के, जो जिनको हम डॉन कहते हैं या अंडरवर्ल्ड कहते हैं, वो बेसिकली डॉन नहीं है और अंडरवर्ल्ड नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ हायरार्की नहीं है, उनके यहाँ सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ पर यह है कि एक मालिक है, उसके नीचे 25 लोग 30 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं। उसके उलट मुंबई जो है वो जैसे सिसिलियन माफिया है या रशियन माफिया है या चाइनीज माफिया है या जापानीज माफिया है, उसकी तरह ऑपरेट करता है। जापान का जो सबसे बड़ा माफिया गिरोह है जिसका नाम याकूजा है, उस याकूजा गिरोह में बाकायदा ऊपर से नीचे तक एक सिस्टमेटिक बहुत ही अच्छा वेल ऑयल्ड वेल ग्रीस्ड सिस्टम है, कॉर्पोरेट सिस्टम है। वहां पर यह है कि कोई भी निचले स्तर का सबसे पहली पायदान का जो प्यादा है वो सीधे सिपहसालार से या सीधे बॉस से बात नहीं कर सकता, और लेकिन यहाँ ऑन द कंट्री अगर आप बात करेंगे कि किसी भी बाहुबली की या जो बीटी वसूलने वाले हैं, भाई टैक्स वसूलने वाले लोग हैं, जीटी वसूलने वाले लोग हैं जो गुंडा टैक्स जिसे बोल देते हैं, तो वो लोगों तक पहुंचना उन सबसे निचले पायदान के आदमी के लिए भी आसान होता है। तो वहां पर कैसा है कि बॉस जो होता है अंडरवर्ल्ड में, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, उसके नीचे एक उसका सेनापति होता है, उस सेनापति के नीचे जो है वो 3-4 सिपहसालार होते हैं, उस सिपहसालार के नीचे 8-10-15-20 किलेदार होते हैं, वो किलेदार अपने अपने एरिया में बैठे हुए होते हैं, उनके नीचे उनके अपने अपने टीम्स होती हैं, उन टीम्स का हर टीम का एक लीडर होता है, उनके पास में फिर उसके बाद में वॉचर अलग होता है, इन्फॉर्मर अलग होता है, किलर अलग होता है, कार चला करके आने वाला अलग होता है, हथियार की सप्लाई देने वाला अलग होता है और हथियार वापस लेके जाने वाला अलग होता है, हथियार बेचने वाला अलग होता है, तो हथियार खरीदने वाला अलग होता है, तो यहां तक कि धन देने वाला अलग होता है और धन का शोधन करने वाला अलग होता है। उनका एक गिरोह इतनी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, ऑपरेट करता है, कि वो इसी वजह से मुंबई में उसे कंपनी कहा जाता है, डी कंपनी, बी कंपनी, एबी कंपनी, सी कंपनी या नाना कंपनी, तो ऐसे वहां पर कंपनियों के नाम से चलते हैं। वहां के लड़के जब अपनी माँ को या बाप को बोलते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूं या मैं काम करता हूं, तो कहां काम करता है, तो वो बोलते थोड़ी कि वो भाई क्या काम करता हूं या अंडरवर्ल्ड में करता हूं, बोले मैं कंपनी में काम करता हूं। कौन सी कंपनी है, तो वो कोई भी बेहतर नाम दे देगा, कोई भी नाम बोल देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, लेजिटिमेट या लीगल कंपनी में काम कर रहा है, वो दरअसल काम कर रहा होता है डी कंपनी में या नाना कंपनी में। और ये इतना बढ़िया तरीके से अपना इस तरीके से चलता है। आप चाइना की बात लीजिए, वहां का जो रेड ड्रैगन गैंग है या ग्रीन मैंगो गैंग है, इन लोगों के 15-15, 12-12, 20-20 लाख मेंबरशिप है, उनके गिरोह इतने मजबूत है, उनकी अकूत संपदा है। हमारे यहाँ का दाऊद इब्राहिम 12 लाख करोड़ की संपत्ति रख करके हमारे देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन वहां पर तो उन लोगों के उप गिरोहों की संख्या 550 है, एक गिरोह की उप गिरोहों की संख्या 550, 15 लाख से ज्यादा मेंबर है उनके। आप किस किस दुनिया किस देश की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो वो अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड है ही नहीं फिर उस हिसाब से।
कहीं ना कहीं आप लोग मीडिया वाले लोग इसको हाईलाइट करके एक महिमा मंडन कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑफर टाइप भी लगने लगा है कि ये बिजनेस में जाया जाए क्या, मतलब देखिए आप दोषदार नहीं हो इसके। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम इतिहासकार हैं, हम आपके समाज के आईना है, ये हमारा काम है, ये हमारा प्रोफेशन है। अगर आप कहीं गलत हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप गलत हैं। अगर हम पॉलिटिशियन को बताते हैं कि वो गलत है तो वो गलत है। वैसे ही हम अपने समाज के उन गलत हिस्सों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये लोग गलत हैं और ये महिमा मंडन नहीं है, उनके बारे में सूचना देना है। अगर दाऊद इब्राहिम का ताजा तरीन फोटोग्राफ निकाल करके छापना महिमा मंडन है तो फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में वो सारे के सारे उनके साथ गुनहगार हैं। जी नहीं, जिस आदमी के पीछे आपका पूरा देश पूरा विश्व पड़ा हुआ है, अमेरिका की जो ट्रेजरी है वो उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा देती है, उसकी संपत्तियों पर रोक लगाने की बात करती है, जिसका फोटोग्राफ ताजा किसी के पास नहीं है, अगर वो एक पत्रकार निकाल करके प्रकाशित करता है तो महिमा मंडन कैसा? ये तो राष्ट्र सेवा है, ये तो विश्व के लिए, दुनिया के लिए, देश के, समाज के लिए किया हुआ कार्य है। तो लोग जो कहते हैं ये उनका अपना सोचने का नजरिया है। आप एक सिक्के के दो पहलू नहीं होते, उसके तीन पहलू होते हैं। एक चित होता है, एक पट होता है, लेकिन सिक्का खड़ा भी तो होता है। और उस स्थिति में आप थोड़ा सा दाएं या थोड़ा सा बाएं जाकर के दोनों पहलू देख सकते हैं उसके। तो आप पत्रकारिता के उस सिक्के को दोनों पहलू देख करके उसको तौलने की या समझने की कोशिश करें, ये महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी बात वही तक सही है कि जहां तक ये प्रिंट मीडिया में था तब तक तो बहुत ईमानदारी से चीत या पट था, लेकिन ये जहां से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया है 24 घंटे उनके पास मटेरियल नहीं है तब तो महिमा मंडन होने लगा है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज को स्वीकार कर रहे थे 100% नहीं लेकिन कुछ। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप ये स्वीकार करने लगे थे कि प्रिंट मीडिया ही ऑथेंटिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 4-4 घंटे 7 लोगों के सीरियल दिखाकर ये हाइप करके कहीं ना ये तो दोस्तार परसेंटेज वाइज डबल है प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब शुरू हुआ था तो काफी कुछ प्रिंट की तरह चला, क्योंकि सारे प्रिंट के ही लोग उसके आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। मैं भी प्रिंट मीडियम से आया हूँ वहाँ पर, और जब तक इलेक्ट्रॉनिक में मैंने काम किया पूरे सिद्धांतों के साथ, पूरी कशिश के साथ, पूरी जिद के साथ, उसकी तथ्यों की तार पड़ताल के साथ मैं काम करता रहा। जब मैंने वो छोड़ा और उसके बाद में मैं सोशल मीडिया या वेब मीडियम के थ्रू काम कर रहा हूँ, तो भी आप अगर मेरे YouTube चैनल पर जाते हैं और उस पर देखते हैं तो आपको हर चीज जो है वो ऑथेंटिक वहां पर मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर एक खबर चला दी जाती है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसके बाएं पांव में गैंग्रीन हो गया, दाऊद इब्राहिम का पांव अगले दिन कट जाता है, तीसरे दिन जो है उसकी मौत हो जाती है, और जब वही चैनल के लोग मेरे से बाइट लेने आते हैं और मैं उन्हें कहता हूं कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ है, ये झूठी खबर है, मत चलाइए, नहीं हमारे पास आईबी का इनपुट है तो चलाएंगे, तो आप बाइट दे दो, मैंने कहा मैं बाइट ये दूंगा कि उसे कुछ नहीं हुआ है। अब वो मेरी बाइट नहीं चलाते क्योंकि उनकी खबर गिर जाएगी। ठीक है, अगले दिन वो मेरी बाइट लगा करके वो खबर चलाते हैं। अब तीसरे दिन वो भी जब दाऊद मर गया ये खबर चलती है तो उसमें वो मेरी बाइट लगती है। अब सवाल यह है कि आपको एक व्यक्ति ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने बहुत ही गहरे सोर्सेस से के थ्रू दे रहा है लेकिन आप उसे नहीं लेना चाहते, आप नहीं चलाना चाहते, तो भाई ये आपकी समस्या है। उनकी गलतियों का खामियाजा मैं भुगतता हूं। सारे लोगों को, सारी पत्रकारिता के क्षेत्र को कुछ खास वर्ण बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया और पता नहीं क्या क्या कह के कर दिया है, खराब कर दिया है। और वो जो संकट खड़ा हुआ है पहचान का, उस पहचान के संकट में मैं भी पिस रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी जिद है, मुझे कोई चैनल कोई अखबार काम दे न दे, मैं सर्वाइव कर रहा हूं और सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपने सिद्धांतों के साथ। मेरा भी था कि क्या ये फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी जैसे सुनने को समय मिला था कि अंडरवर्ल्ड का उस समय था कनेक्शन जो नेसिस था विद द फिल्म इंडस्ट्री, तो स्टिल दिस एग्जिस्टिंग और समवेयर इट इज अमेरिकन माफिया और हॉलीवुड
सारे संबंधों के बारे में दुनिया जानती है। रशियन माफिया और रशियन फिल्म इंडस्ट्री सारी दुनिया जानती है। टर्किश माफिया, टर्किश फिल्म इंडस्ट्री सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है जिसके संबंध फिल्म इंडस्ट्री से नहीं रहे? दिलीप कुमार झा हो या अमिताभ बच्चन हो या कोई भी लोग उस वक्त के नामचीन लोग रहे हैं, क्या करीम लाला से या हाजी मस्तान से या वरद राजन मुतियार से नहीं मिलते थे? मिलते थे, उन लोगों के रिलेशन थे। कई किस्से कहानियां इनके बारे में मशहूर है, कैसे एक फिल्म हीरोइन जो है कहां बीच में छोड़ के चली गई और कैसे जा करके वो रोया हाजी मस्तान के पास और कैसे वो लंदन से एक दिन के अंदर वापस लौटी और कैसे उसने काम यहाँ पे फिल्म पे और लौटते से ही सेम डे उसने सेट पे जाकर के काम शुरू किया और क्यों किया? वो जाकर के रोया कि साहब मेरी इतनी लाखों का लगाया हुआ सेट में बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहाँ से पैसे चुकाऊंगा? तो उसने बिना एक चवन्नी लिए हाजी मस्तान ने अपने लोग जो है वहां पे एक्टिवेट किए, उसको धमकी दी हीरोइन को कि तुम अगर नहीं लौटोगे तो तुम्हारे मुंह पे एसिड मार देंगे। और वो हीरोइन कौन? उस एक मुख्यमंत्री के बेटे से उसका शादी तय हुई थी, तो वो दोनों जो है अपनी कोर्टशिप के लिए भाग करके लंदन चले गए थे उस दिन मौज मजा करने के लिए। और इन्होंने हार्डली एक घंटे में खोज करके वहां पर आदमी पहुंचा दिए, फिल्म देख करके वो दोनों निकले और लंदन की सड़कों पे हल्की ठंडक में हल्की सी बारिश के फुहारों में दो प्रेमी जोड़ा जो है वो मजे लेते हुए घूम रहा है और उनके सामने जो है ये चार लोग आते हैं, टैक्सी से उतरते हैं, थ्रेट देते हैं, साथ में बैठा के ले जाते हैं और वो सीएम साहब का बेटा जो है कसमसा के रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जो लड़की है हीरोइन है वो अपने चेहरे पे एसिड डालने के तो वो कर नहीं सकती। पर लड़के को बोलते हैं कि एसिड फेंक देंगे, उसकी बात कर लेना तो इससे शादी, देखते हैं करता है क्या। दोनों की रूह कहां गई, क्या करते? तो आखिरकार कहीं किसी हद तक उनकी भी जरूरतें बनी जिसके कारण इनके रिलेशन बने। बाद में ये हुआ कि अरे भाई बड़ी खूबसूरत लड़की है और ये तो जब झरने में नहाती दिखती है और अंदर तो कुछ पहने नहीं साड़ी में, तो अरे यार क्या माल है, तो हमें चाहिए। तो माल उनके घर पहुंचता है और फिर उनकी दाल पे नाचता है, तो इस तरीके से वो काम हो गया। फिर उसमें पैसा दिखने लगा तो पैसे के लिए हो गया। सैयद टोपी नाम का एक बंदा जो कि दाऊद गिरोह के लिए वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता था, जब वो मरा गोलियों से, विरोधी गिरोहों की गोलियों से, तो उस दिन तो पूरे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिवाली बनी थी। 600 करोड़ रुपया डूब गया दाऊद इब्राहिम गिरोह का उसमें, क्योंकि सारी जानकारियां उसके दिमाग में थी। कोई वही चोपड़ा को नहीं बनाता था, कहीं लिख के नहीं रखता था किसको कितना दिया कितना आया, वो गया और सारा पैसा खत्म। दाऊद को पता ही नहीं कितना पैसा कहां गया। तो बाद में जो है ये चीज बदलने लगी, फिर एक्सटॉर्शन के बदले में अब सिस्टम सिंपली एक हो चुका है, आपने नई फिल्म बनाई, आप उसकी एडिटेड कॉपी की एक एक डीवीडी हमें देंगे, हम वो जो है डीवीडी उठाकर मार्केट में पायरेसी करेंगे। एक सड़ी से सड़ी फिल्म की पायरेसी से भी अंडरवर्ल्ड को तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है। और अगर अच्छी फिल्म है ऋतिक रोशन की या आमिर खान की या इन लोगों की, तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन ये बढ़ के 25 करोड़ तक 50 करोड़ तक पहुंचता है। तो वो क्यों किसी को धमकी दे करके 50 लाख 25 लाख रुपए वो वसूलेगा? वो तो सिंपली एक डीवीडी ले ली और उसका काम हो गया। तो ये जो कार्य है ये आज भी जारी और ये कालांतर में चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। डी कंपनी, नाना कंपनी, अरुण कंपनी के लोग, सब लोगों का पैसा आज भी अंडरवर्ल्ड का इसमें लग रहा है, उससे वो लोग कमा रहे हैं, ये लोग भी कमा रहे हैं। और देखिए ऐसा है कि आप मेरी भेंट खुजाओ मैं आपकी खुजाऊं, वो वाला काम है। इस कार्यक्रम के आखिरी छोर में पहुंचाऊं, और ऐसी स्थिति में चूंकि मुंबई का जिक्र आता है और 26/11 एक ऐसा जख्म है जो मुंबई कभी भूल नहीं पाएगा, और उस समय आपने काफी नजदीक से रिपोर्टिंग की भी होगी और आतंकियों के फोन कॉल्स भी आए थे उस समय, उससे जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प वाक्य है, वो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि 26/11 के मामले में 2-3 भ्रम लोगों को है, मैं वो एक तो आप लोगों के बीच से वो हटाना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि वो बहुत ये खबर उड़ाई थी लोगों ने कि वो हिंदू हैं आतंकवादी और उन लोगों ने ये हमला किया है, हेमंत करकरे और उन लोगों की मौत जो है वो साजिश थी,
ये सब चीजें बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो फहदुद्दीन का फोन आया था, तो असल में उन लोगों को जब जरार शाह ने, जो कि लश्कर ए तैयबा का टेक्निकल विंग का कमांडर है, उसने उन लड़कों को पांच बड़ी पेयर बनाए थे, दस लड़कों के, दस टेररिस्ट के, पर हर बड़ी पेयर को एक एक मोबाइल हैंडसेट दिया था। हर मोबाइल हैंडसेट में इंडिया का ही एक एक सिम कार्ड था, और हर सिम कार्ड में जो है इंडिया टीवी का लैंडलाइन नंबर डाला हुआ दिया था कि आपको अगर किसी स्तर पे कभी भी बात करनी हो तो इसी नंबर पे बात करना है। अब उनका जब पहला नंबर से फोन वो आता है, तो दिल्ली में बैठे हुए तमाम जितने भी लोग थे वो बोले कि यार ये कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है, कोई मजाक तो हमसे नहीं कर रहा है। तो उन्हें ये असल में आतंकवादी है या नहीं ये पता करने के लिए उन्हें दोबारा फोन किया, ये दिखाते हुए, ये बताते हुए, ये जताते हुए कि हम खुद मतलब टेररिस्ट के सिंपथाइजर हैं, शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, और उनसे उस तरीके से बात की। तो उस बातचीत में ये चीज समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं ये भारत के नहीं है नंबर वन, ये लोग रियल में आतंकवादी हैं नंबर टू। और वो जो मोबाइल नंबर मिला था, उस मोबाइल नंबर की सूचना जो है इंडिया टीवी ने सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो से वो एडीएस मुंबई पर पहुंची, एडीएस मुंबई ने उनके फोन कॉल जो है ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने की व्यवस्था शुरू की। यही कारण है कि मुंबई हमले पर उस जो पूरा रिकॉर्डिंग और ये सारी पूरी दास्तान हुई थी, उसमें बीच में मुझे रहने का सौभाग्य मिला था और ये सारी चीजों का विटनेस बनने का मौका, गवाह बनने का मौका मुझे भी मिला था, मैंने वो सारी चीजें देखी। उसमें जब अदालत में मामला चला, तो अदालत में इस मसले पर जब गवाही की बात आई, तो हमारे यहाँ इंडिया टीवी के भी तीन रिपोर्टर्स की या तीन स्टाफ मेंबर्स की गवाहियां तय हुई थी, जिसमें से बाद में दो ही गवाहियां हुई, एक गवाह की गवाही जो है वो ड्रॉप हो गई थी। और जब फैसला आया, तो उस फैसले में माननीय अदालत ने इंडिया टीवी और उसकी टीम के साहस, बुद्धिमानी और उनके किए हुए कार्य की सराहना की थी। और आज दुनिया भले ही इंडिया टीवी को या किसी भी उसके पत्रकार को उस दौर में जो भी एक्टिविटी हुई थी उसके लिए गालियां दे या डांटे फटकारे या बुरा भला बोले, लेकिन जो सच्चाई है जमीनी तौर पे वो अपनी जगह है और वो कायम रहेगी। सर, सवाल तो बहुत सारे कि सुन के इतना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जब आप इस माहौल में रहते हैं तो अपने आप को कैसे आप अनुकूल रखते हैं? और जहाँ पे भी कई बार आपने ऐसा कोई वाक्य है कि जब मुसीबत में आप भी फंसे हों? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल भले ही बहुत जायज है, लेकिन उसका जवाब जो है वो बहुत देना मतलब मुश्किल है। उसका कारण यह है कि अगर कुछ भी कहना चाहूंगा तो अपने मियां मिट्ठू बनने जैसी बात होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो भी रिस्क ली है आज तक जिंदगी में वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क ली है, और हालात कई बार इस तरह के बने हैं, मंजर कुछ इस तरह का बना है कि परेशानियां या तकलीफें आ जाती हैं, कभी धन का लालच मिला, कभी घर और गाड़ी का लालच मिला और सब कुछ होता रहा, कभी धमकियां भी आई और सब कुछ हो गया और कोशिशें भी हो गई। लेकिन एक चीज है कि जब समाज के, राष्ट्र के, अपने आसपास के जो लोग हैं, आप उनके भले के लिए जब काम करने उतरते हैं, तो फिर एक अदृश्य शक्ति है जो कि आपके आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत एक घेरा बना देती है, आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। मेरे साथ हमेशा से ये हुआ है कि मैंने जब भी कोई काम किया है तो उसमें लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन या पब्लिक रखा है, तो मुझे हमेशा से उनका बहुत सहयोग भी मिला है। और गिरोहों के अंदर से ही अगर मेरे खिलाफ साजिश रची है, तो अंदर से ही मुझे सूचना भी मिली है।
मुंबई पुलिस को भी जब ये सूचना मिली है तो उन लोगों ने भी गाहे बगाहे, मतलब जब भी उनके पास सूचना आई है उन्होंने भी मुझे कवर देने की, याद रक्षक देने की, हथियारबंद वो सब करने की कोशिशें की है, जिसे मैंने हर बार नकारा, क्योंकि अगर मैं उनके अंगरक्षक पहन करके कहीं आता जाता हूं तो मेरे साथ में समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि मेरे जितना भी नेटवर्क है वो तो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा, हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, क्या करता हूं, क्योंकि वो तो मेरा डोमिनेंट डिटेल लिखते हैं, तो वो एक परेशानी होती रही है। तो उन्होंने मुझे अपनी कोच से गन भी देने की बात की कि चलिए आप पिस्टल हमारे यहाँ से ले लीजिए। मैंने कहा भैया 5-7 लाख रुपए की आपकी पिस्टल लेकर के कहीं गया कोई, लेकर के भाग गया, हम तो ट्रेन में और बसों में घूमने वाले पत्रकार है, हम इतनी अयाशी तो कर नहीं सकते कि उस जमाने में 5-7 रुपए का भी अगर मीटर होता था टैक्सी का तो हम उतना भी अफोर्ड कर लेंगे टैक्सी। तो पुलिस ऑफिसर्स भी हंसते थे हमारे ऊपर कि यार ये कैसा आदमी है। तो ये सब चीजें होती रहती थी, चलता रहता था। हाँ, यहां तक ये बात है कि डर लगने की नहीं, ये बड़ा रोमांच होता था, वो जवानी का दौर था और एक बड़ी भरी जिंदगी जी है और बड़ी ही थसक भरी जिंदगी जी है, बहुत ही पागलपन भरे काम किए हैं हमेशा से, इस तरह का मतलब काम करने में आनंद लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं, और आप लोगों की दुआओं से 50 साल पूरे होने के बाद भी अगर फील्ड में आज भी काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे आप जैसे मित्रगण ही हैं जिनकी शक्ति हमेशा साथ रहती है, और सबसे ज्यादा इस चीज में अगर किसी की शक्ति रहती है तो मातृ शक्ति जो है वो आज भी कायम है। पिताजी के सिखाए हुए सिद्धांत, उनकी दी हुई शिक्षा और माँ की दी हुई जो ताकत है वो आज भी साथ में है, और विश्वास करूंगा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक वो मेरे साथ में रहे और मैं कहीं भी किसी स्तर पे कोई गलत काम ना करूं। बस यही चीज एक ऐसी है जो कि मुझे इस क्षेत्र में आज भी अपने जुनून के साथ जिंदा रखे हुए है। आपने बहुत कुछ कह दिया सर, बोलने को कुछ रहता नहीं है, और यही वजह है कि आप जैसे लोग हैं वही उन्हीं की वजह से आज पत्रकारिता वाकई में जिंदा भी है, और जैसा कि आपने कहा भी कुल मिलाकर ये एक पेशा ऐसा है पत्रकारिता का जिस तरह से परोसा जा रहा है आजकल न्यूज चैनल पर, कहीं ना कहीं हम भी उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम उसके उसके हिस्सा बन चुके हैं, ना चाहते हुए भी हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं कि जिस पर बाकी लोगों का हित आता है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कम से कम अच्छा है कि यहाँ बैठकर स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछ पाऊँ, सवाल सच्चे होने चाहिए भले तीखे ना हो, ये मेरा मानना है। तो ऐसे में सर बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और जन जाएगा, जैसे आपने बातें बताई ये हमें ऊर्जा देगा, मुझे कम से कम बहुत ऊर्जा देगा कि मुझे भी आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप रायपुर में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू विवेक सर, हितेश सर। विवेक सर अंडरवर्ल्ड के बड़े जानकार हैं और एशिया की भीतर जो फेक करेंसी का मसला है उसके बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, आंतरिक सुरक्षा में बड़ा काम है आपका, और आप उन मीडिया के लोगों में से एक हैं इस देश के भीतर जो हाजी मस्तान तक बहुत करीबी रहे हैं। आपने जो किया है वो सबके लिए एक मार्ग प्रस्त करेगा, क्योंकि आप काफी में सर संदर्भ रूप में देश के भीतर काम देश में काम आ रही है, खासकर जो युवा पीढ़ी है, और एक बड़ा नाम था जेडे, जेडे सर के सारी दिन रहे पत्रकारिता की शुरुआत की हुई जिनकी हत्या हुई थी, वो बड़े नाम थे अंडरवर्ल्ड के भीतर में। तो आपने जो काम किया है और सर एपिक चैनल पे आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है उन लोगों के बीच में, और एक रिसर्च के संदर्भ में वो रायपुर आए हुए हैं हमारे कहने से आप यहाँ आए। मैं कौस्तुभ सर और इनाना सर से कहूंगा कि उनके सम्मान में जो हमारी जिंदगी की रूहानी है, इन रूहानियत को आप जीने वालों में से हैं, और आपके और हमारे जो रिश्ते हैं वो स्थायी रहे, क्योंकि आपके साथ एक लंबा अनुभव रहा है काम का, मैं जिस चरण में था उसके एक प्रमुख थे, तो मैं चाहूंगा कि ये छोटी सी भेंट हम लोगों की तरफ से स्वीकार करें और आप इसी तरह से हमेशा आगे। और सभा की समाप्ति के बाद आपके सम्मान में कुछ गजलें जो है गजल के बड़े अच्छे बारे में बताना चाहूंगा, कुर्सी बदली जाए अच्छा, और लिखते थे तो हमारी बचपन की दोस्ती, हमने कहा कि तुम गलत धंधे में पड़ गए, हमने कुछ ऐसा प्रेरणा दी मित्रों ने मिलकर कि आजकल एक बीच में पुरानी वाला एक सवाल है, ये सारी बातें कर रहा था कि हेमंत देव तो चाहेगा कि उनके घर की बात है,
एक बॉम्बे का पत्रकार छत्तीसगढ़ के आतंक के बारे में क्या सोचता है, ये अंडरवर्ल्ड है या बाहुबली का? लाल आतंक के बारे में मुझे लगता था अपने घर की बात हेमंत जी करेंगे। तो रिसर्च कर रहे हैं सर उस पे बहुत। देखिए बस्तर में हेमंत जी के ही कहने पर जो बस्तर वो संगठन का नाम क्या था, बस्तर कॉमर्स, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा एक छोटा सा चैट रखा था, तो उस वक्त मैंने उन्हें ये बात कही थी कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है और उसकी छायाप्रति बस्तर में नक्सल वर्ल्ड है। मेरा इतना कहना था कि वहां के जो बैठे हुए तमाम हमारे उद्योगपति और दुकानों के मालिक या व्यापारी और कारोबारी पर लोग थे उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लग गई कि ये भट्टा यहाँ कर ये क्या बोल कर जा रहा है। सच्चाई ये है कि नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन खड़ा हुआ था समाजवादी आंदोलन, जिसमें आम इंसान को सहयोग देने की उसके हक की बात की जा रही थी, वो अब जो है हफ्ता वसूली में, मारकाट में और क्या बोलना चाहिए सुपारी किलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बहुत सारे उदाहरण मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। उस मुद्दे पर किसी वक्त में बैठ करके पूरी मंदिर विस्तार से चर्चा करूंगा और जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद आप 5 या 7 घंटे बाद भी आपके मन में सवाल आते रहेंगे, पर मैं जवाब देता रहूंगा क्योंकि मेरे पास उसके लिए बहुत मसाला है। पर बहुत जल्दी ही उस सब्जेक्ट में मेरी एक बहुत ही बड़ी किताब आने वाली है जिसमें हेमंत जी भी मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं और भी मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं या अन्य लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईबी ऑफिसर्स हैं, कई लोग मिलकर के मुझे उसमें सहयोग कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो काम भी जल्द पूरा होकर के सामने आए क्योंकि नक्सलवाद पर, नक्सलबारी पर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं लेकिन वो बहुत ही अलग तरीके से छपी हैं चीजें। मेरी जो चीज आएगी वो एक नया अध्याय खोलेगी, इस चीज को देखने के लिए एक नया नजरिया पेश करेगी। अब हम आते हैं इनकी तरफ। हाँ मेरी तो बहुत बातें हो गई, अब इनसे चंद अचार हम जरूर सुनेंगे। शुक्रिया सर। आमतौर पर मुझे नहीं होता याद नहीं है तिथि, कुछ याद आते हैं उसमें से जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसकी गजल का एक हिस्सा मेरी गजल किताब का शीर्षक ये है। अर्ज क्या है, घर से बाहर तो निकलकर देखिए, घर से बाहर तो निकलकर देखिए, जिंदगी के साथ चलकर देखिए, घर से बाहर तो निकलकर देखिए, जिंदगी के साथ चलकर देखिए, आपको अंधारा कर दे वो चमक, आपको अंधारा कर दे वो चमक, शम्स को थोड़ा संभल कर देखिए। आसमां के है मुकाबिल हस्ती क्या, आसमां के है मुकाबिल हस्ती क्या, देखना हो तो उछल कर देखिए। शुक्रिया सर। आप तो मतलब दुष्यंत कुमार और दिल वाली जो के छाया है, बताइए आप कहाँ छुपे बैठे हुए हैं, इसे इसे लाइए, ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं, बहुत खूबसूरत अचार हैं। एक आध और पढ़िए कुछ, एक आध और पढ़िए। इसी गजल का एक शेर और है, तरके ताल्लुक तो बहुत आसान है, तरके ताल्लुक तो बहुत आसान है, कालिबे नस्बत में ढल कर देखिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत नस्बत में ढल कर देखिए। अच्छी बोले। इसी संग्रह का एक और गजल है, उसकी संदर्श पेश करना चाहूंगा। उठने लगा है दिल से मेरे ये सवाल क्यों, उठने लगा है दिल से मेरे ये सवाल क्यों, इस तंग दिल जहां से करूं अर्ज हाल क्यों। जब तुझसे रही ना कोई शनासाई ऐ हया, जब तुझसे रही ना कोई शनासाई ऐ हया, फिर बार बार आए तेरा ही ख्याल क्यों। क्या बात है, अष्ट बार और भी इस बज़्म में गई, है अष्ट बार और भी इस बज़्म में गई, ऐ दोस्त ये बता मेरी मिसाल क्यों। क्या बात है, बहुत है मेरी मिसाल। कैसे बताए कोई मुकद्दर किसी का क्या, कैसे बताए कोई मुकद्दर किसी का क्या, कल जो खिला चमन में वो पायमाल क्यों। थैंक यू सुजी भाई, और ये सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर से कैस्ट में इसी तरह मिलते रहेंगे किसी
बड़ी शख्सियत के साथ और आप सब लोगों के लिए यही है कि जख्म अभी गहरा है, किसने कहा भरा है, इस जख्म के साथ हम फिर मिलेंगे क्योंकि इसकी गहराई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने के लिए।